जनाब 12 फरवरी 2022 और चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की आज आखिरी रात है और कल इसका एतवार का आखिरी दिन होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला दरावर के एरिया में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक है, चहल पहल है, हर तरफ आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं दूर दराज से। हाँ जी, इस तरफ आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, इंसानों की उनसे भी ज़्यादा लंबी कतारें हैं। ये कच्चा रास्ता जा रहा है, इस तरफ काफ़ी ज़्यादा टेंट लगे हुए हैं और लक्की रानी सर्कस या मौत का कुआं देखने के लिए भी आप इसी तरफ इसी रास्ते से जाएंगे। मस्जिद इस तरफ है, अब्बासी शाही जामिया मस्जिद, जो कि इंतहा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। रात के वक्त देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है और इस पर लगी लाइट्स जो कि पानी की तरह बह रही हैं, आबशार की तरह बह रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हाँ जी, यहाँ से खड़े होकर आप देखें तो इस तरफ सारी ट्रैफिक है और ये है किला दरावड़। इस तरफ किला दरावड़ पर भी लाइट्स लगाई गई हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर सिंधी टोपियाँ काफ़ी तादाद में रखी हुई हैं और उसके साथ हैट्स भी हैं, कैप्स हैं। यहाँ पर सरेकी अजरक साफे और इस तरफ हैं जी सन ग्लासेस। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल व्यूअर्स, 12 फरवरी की शाम है, बल्कि मैं ये कहूँ कि 12 फरवरी की रात है और दरावड़ का गेट बंद है, किला का गेट बंद है। यहाँ पर भी लोग अभी तक मौजूद हैं और यहाँ पर झूमरताड़ी हो रही है और इसके साथ साथ सिरे की झूमरताड़ी हो रही है। देख लें रात के वक्त इस तरह किला नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, इस तरफ नीचे देखें लोग पड़े हैं, आए हुए हैं घूमने फिरने, लेकिन इधर बीमारों की तरह पड़े हैं, मरीजों की तरह। वो इस तरफ आप देख रहे हैं जो फोर्थ स्ट्रीट बनी हुई है, यहाँ पर आप देखें होटल है, एक के चिकन ब्रोस्ट, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की खाने की चीज़ें मिल रही हैं। जीप रैली की तकरीबात रंगारंग जा रही हैं, आज आखिरी रात है, इसके बाद आज यहाँ पर जगह नज़र नहीं आ रही, तो कल यहीं पर इंसान नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो जनाब चोलिस्तान फेस्टिवल जो चल रहा है, इसमें जीप रैली के फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो है वो ये कि जो फ्रेंड्स का ग्रुप आता है, गेट टुगेदर होता है, उसमें आकर भी वो यहाँ पर कैंपिंग करते हैं और सामने देख सकते हैं ये जो कैंप लगे हुए हैं, इन कैंप्स में फिर वो रात गुजारते हैं और काफ़ी खूबसूरत समा बनता है। इस तरह भी आप देख सकते हैं हर तरफ फ्रेंड्स का ग्रुप एंड गेट टुगेदर है, इसमें ख़ास तौर पर लकड़ियाँ जलाकर आग सेकी जाती है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर समा है। मैं मज़ीद आपको बैक कैमरे से यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह कैंप लगाए जाते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो एक रात का हल्ला गुल्ला होता है किस तरह स्टे किया जाता है। हाँ जी, यहाँ से देखें तो शाही जामे मस्जिद अब्बासी ख़ानदान ने जो बनाई थी, काफ़ी खूबसूरत मंजर यहाँ से पेश कर रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नौजवान नाच रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं क्यों नाच रहे हैं।
भाई एक मिनट नाच क्यों रहे? बस खुशी के लिए। किस चीज़ की खुशी? कोई शादी हो रही है आपकी? नहीं नहीं, रैली है इधर। सराकी होगी। सराकी रैली है, मतलब जी, क्या जीप रैली है यहाँ पे। अच्छा, तो इस खुशी में आप नाच रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा आपकी कोई शादी मंगनी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप तबीयत ठीक है जी? भाई नाच क्यों रहे हैं सारे आप? ये देखो ना, पूरी दुनिया में परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं पूरी ज़िंदगी की। ये अच्छा है, एक शुगल है, एक मेला है, एक मतलब के फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हम थोड़ा जो इंटरटेनमेंट मिल जाती है। जीप रैली है और उसकी खुशी में हम आए हैं। सारा दिन सारी ज़िंदगी टेंशनों से थोड़ा सा ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए इंजॉय कर रहे हैं। छोटी सी कंपनी है, 3-4-5 लोग हम आए हैं, दूर से आए हैं, और 5 लोग हम अपना सेटअप बनाया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी गाड़ी साथ करके रख के ये अब अपना अपना शुगल बना रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, एंजॉय द पार्टी। खूबसूरत समय है यहाँ पर। मेरे पीछे लकी रानी सर्कस लगी हुई है और मौत का कुआं है। इस तरफ देखें तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी दाढ़ी मूछें भी हैं, वो यहाँ पर गाड़ियां चला रहे हैं। कि मेरे पीछे है मौत का कुआं, उस्मान बबर शेर मौत का कुआं। तो मैं आप तमाम दोस्तों को चल कर ये मौत का कुआं दिखाता हूँ। हाँ जी, ये मेला चल रहा है, यहाँ पर टिकट है। सामने लकी रानी सर्कस है और इस तरह मौत का कुआं है। हाँ जी, प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मोटरसाइकिल पुरानी फटीजर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेगी। तो जी यहाँ पर मौत के कुएं का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लकी रानी सर्कस से बाहर। तो ये चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के बाहर लकी रानी सर्कस लगी हुई है। तो हम चलते हैं लकी रानी सर्कस के अंदर और चलकर आपको लकी रानी सर्कस का शो दिखा दें। चोलिस्तान जीप रैली में आज 12 फरवरी की रात को यहाँ पर म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, जिसमें आप ये दिलवर स्टेडियम से देख रहे हैं। गुलकारा मेहराब अली इस वक्त परफॉर्म कर रही है। चले मैं सराकी बोलूंगी, जिसकी आवाज ज्यादा हुई फिर पंजाबी, फिर जो भी जो आवाज ज्यादा होगी वही स्टार्ट करूंगी। बस सराकी हाँ जी, बदमजगी शुरू हो चुकी है, क्राउड स्टेज पर पहुंचना शुरू हो गया। तो हम लोग तब ही म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। Oh, oh, oh.
फरवरी 2022 चोलिस्तान जीप रैली की रंगारंग तकरीबात मैंने आपको दिखाई। हमेशा की तरह एक पैगाम, हमेशा अपना और अपनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगेवान।